हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि और आज हो चुका है फ्राइडे। सो फ्राइडे हो चुका है और करीब 2 बज चुके हैं। जस्सिका गई है ट्यूशन, लवी सपना स्कूल से आके लेटा हुआ है और मैंने बनाया है आज लंच में। क्या बनाए? आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाए थे और बाकी बस मौसम अच्छा हो रहा है आज का, तो आज मुझे जाना है वैसे मार्केट। सो जैसा कि गाइज मैंने बोला था, चलिए मार्केट चलते हैं। तैयार हो चुकी हूँ मैं, देख सकते हो पूरी रेडी हो चुकी हूँ और चलिए मार्केट चलते हैं। फ्राइडे मार्केट है आज, तो कुछ ही सामान लाना, ज़्यादा कुछ नहीं लाना, बस थोड़ा घूम मिलूँगी और अकेले जाऊँगी क्योंकि बच्चों के ट्यूशन है, वो कोई नहीं जा रहा। जस्सिका जा चुकी है ट्यूशन इसलिए, और लेट आएगी मतलब, तो उसे 2 ट्यूशन जाने हैं इसलिए लेट आएगी, तो मैं तो जा रही हूँ। तो करीब 4:30 बजने वाले हैं। सो चलिए गाइज चलते हैं और वहीं मिलते हैं। ओहो, तो लविस कल तो छुट्टी है सैकिंग सैटरडे की है, आज जल्दबाजी में लविस भेजा था मेरा, बहुत ही जल्दबाजी में। और बाकी बस अब आराम से टीवी देखेगा, तो ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो ट्यूशन चला जाएगा। मैं अपना चली जाती हूँ मार्केट क्योंकि इसका ट्यूशन का टाइम बहुत लेट है अब, और टीवी ऑन कर रहा है यहाँ पे और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। तो गाइस लविस ट्यूशन से आ चुका है और लविस को मिल गया है अब नया खेल। अब फ़ोन की जगह वो लैपटॉप में मिलेगा आपको, देखिए लूडो खेल रहा है। मतलब ये कुछ ना कुछ अपना गेम खेलना छोड़ेगा नहीं बिल्कुल, हैं लविस? मज़ा आ रहा है? अच्छा, पढ़ने में मज़ा नहीं आता? ओहो, तो ट्यूशन में कैसा लगा? मैडम ने आज क्या समझाया? बस मैथ ही करा रही हूँ और कुछ नहीं, कल करवाया था। अच्छा, और अच्छा, तो अब कल छुट्टी नहीं है ट्यूशन की? ट्यूशन की क्यों होगी छुट्टी पागल, स्कूल की तो होती है, बस वो भी पीटीएम रख देते हैं। हाँ, कंप्यूटर की तो वो पहले से ही रखते हैं क्योंकि मैं भी गई हूँ ना, जब से कंप्यूटर भी गई थी मैं और टाइपिंग भी, सब कुछ गई हूँ मैं। जैसिका आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, क्योंकि 2 ट्यूशन गई थी ना आज। हाँ, थक गई और घर में भी काम किए, फिर किचन साफ करना, तो फिर कुछ खाने को नहीं। लाइक मोटर बंद कर दी और ये मोटर चल रही है, बिल बढ़ जाएगा। चलिए, मोटर चल रही थी तो शुगर है, मैंने नोटिस कर ली, आधा घंटा बाद तो चल गई। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था मैं मार्केट गई थी लेकिन मैं सूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अकेले गई थी, अकेले सूट नहीं हो पाता, या तो शॉपिंग कर लो या फिर सूट कर लो, और हाथ से भी हो जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मतलब मेरे साथ मतलब फ़ोन वगैरह छीन के भग जाते हैं, लड़के होते हैं ना वहाँ पे, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हाथ से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सूट नहीं करती मार्केट में। अगर जस्सिका होती है तो सूट करती हूँ, जस्सिका आज गई नहीं क्योंकि उसे ट्यूशन जाने थे 2, तो इसलिए मैं छुट्टी भी नहीं करा सकती अब उसकी, मतलब इतने से काम के लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सिर्फ नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे। और मैं सिर्फ 2 ही चीज़ खरीद के लाई, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो, ज़रूरी था, जस्सिका ने ऑर्डर किया था कि मुझे ये चाहिए। हाँ, मुझे डिमांड पे थी कि मुझे चाहिए, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ अपने लिए, मुझे भी पसंद आ गया तो मैंने भी ले लिया। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 सामान लेकर आई हूँ और बाकी अमर बेकरी से लेकर आई हूँ। अगेन अमर बेकरी, माई ऑलवेज कैसे क्योंकि इसके प्रोडक्ट भी होते अच्छे हैं। और देखिए मेरा बैग यहीं टंग रहा है अभी, तो ये यहीं टंग रहेगा, ये टावल इसलिए टंग रहा है, गीला है ये, चुका है 7:30, देखिए टाइम 7:30 हो चुका है। इधर चल रहा है तेरी मेरी डोरियाँ, सीरियल देख रही हूँ मैं, तो सोचा ऐड आ रही है इतने आपसे बातें कर लेती हूँ, बस और कुछ नहीं, बस शेयर करते हैं आपके साथ मैं जो परचेज करके लाई हूँ। जैसे बिल्कुल जैसिका हैप्पी, और मेरी बैक में पेन होने लगा पता नहीं क्यों,
चलिए गाइस मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। और देखिए ज्यादा कुछ नहीं, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। लेकिन इतने शेयर है रस्सी का बैग, पिट्ठू बैग आज के पास पिंक कलर का, लेकिन उसकी चैन काफी साल भी पुराना हो गया। मैंने चलो एक दिलाई देती हूँ आपके, क्योंकि पिछले साल ही दिलाए थे मैंने नए बैग स्कूल के, ट्यूशन के लिए। इसमें ये कलर था, ग्रे कलर मुझे काफी अच्छा लगा। नविस अच्छा लग रहा है कि नहीं? रस्सी का बताओ। हाँ मेरा ही बैग है तो मुझे पता है। हाँ अच्छा है, चैन खराब हो जाती है क्योंकि उसकी बार बार तो वैसे अच्छी होती है। इनमें देखते हैं नहीं इसकी नहीं उसकी दूसरा लेकिन नवल डली हुई है जो पिंक वाला था। जी मेरे तो तियाना भी हो गया, वो काफी 3 साल करीब हो गए उसे ना। हाँ चलिए तो हो गया। जैसे कितनी केयर करके रखता हूँ अपनी चीजों की। ये है मेरा, देखिए इसके चक्कर में मैंने भी खरीद लिया। क्लासी क्लासी जो मैंने पता नहीं कितनी बार ऑनलाइन भी देखा ऑफलाइन भी देखा। चलिए दिखाती हूँ, थोड़ा पास लाइए जैसे का। और ये है इस तरीके से ऐसे करने के बाद ही ओपन होगा। और इसकी ब्रांड कितने की है? राखी भेजी है क्या? राखी नहीं है वो, टैग है, गलत फहमी हो गई। और ये पूरा है, अच्छा लगा मुझे। मैं पता नहीं कितनी अच्छा, मतलब कीड़े वगैरह सेफ्टी। तो गाइस मुझे बैग तो पसंद आया, हैंडल वाला भी है। तो गाइस लेकिन इसमें मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन क्या करूँ सभी में आ रही है आजकल, पर्सों में यही चीज़ आ रही है। ये चीज़ मुझे कम अच्छी लगती है, डबल पट्टी होती है ना उसमें टाइट कर लो, अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो परफेक्ट मिलता नहीं है। तो इस तरीके से इसका लोगो देखिए गोल्डन में, ये इस तरीके से खुल गया। और इसके अंदर है काफ़ी स्पेस है ना, स्पेस तो काफ़ी है। और ये है 600 का, बिल्कुल फिक्स अमाउंट थी, कोई डिस्काउंट नहीं दिया बिल्कुल भी। सही पर्स अच्छा लगा, ऑनलाइन भी अगर हम मंगाते हैं तो आ जाते हैं, अच्छे आते हैं ऐसा नहीं। लेकिन मुझे अर्जेंटली चाहिए था, मुझे जाना है ना कहीं, तो इसलिए मैंने परचेज कर लिया। पर्स तो मुझे बहुत है, लेकिन पार्टी वियर है मेरे पास सारे, रेगुलर ऐसे वाले नहीं है। और है ये वाला, चैन खराब हो गई, दो चैन टूट गई, जोन आउट करेंगे। एक तो खुलती ही नहीं है। ये मैंने मंगाया था आई थिंक फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, तो ये चैन सही नहीं। और गाइस बस यही शॉपिंग, और क्या शॉपिंग है ये, तो नहीं करके इसने आज मैं लाई हूँ जस्सी का। ओ ये दूध लग रहा है, वो लाई थी ना मलाई तो मलाई तो नहीं मलाई रोल। हाँ मलाई रोल भाई लाइयो, साफ होने पड़ेंगे जाओ भाई। और ये लाई हूँ आज वो वाले बिस्किट, आज तो मैं चाय पीऊँगा। तो ये आज काजू वाले बिस्कुट लेके आई हूँ मैं, और लाई हूँ अगेन सारे चिपक रहे हैं, ये साफ करने पड़ेंगे जैसे का। तो देखिए ये वाले, मतलब ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन है 200 के भाई ला दे। मैं साफ करती हूँ क्योंकि इसमें ना मैं कुछ और भी लाई थी तो वो दूध भी निकल गया। आराम से मूवी देखिए, एनीमे देखिएगा, एनीमे नहीं माइनक्राफ्ट दिखता है तो। नो हाँ नहीं बना रहा, मैं सही में थक गया हूँ बहुत, मैंने तो दौड़ के 3-4 बार चक्कर मारे आज बेफालतू में। तो चलिए गाइस देखिए मैंने इधर दूध रख दिया है बच्चों को किचन, जैसा कि मैंने बोला, जिससे मैंने साफ कर दिया, ये मैंने साफ कर दिया है। और आलू के पराठे बनाए थे तो चलिए लविस को दे देती हूँ मैं आलू के पराठे, मांग रहा है शाम तक, मतलब शाम क्या मैंने लेट ही बनाए थे, इतने जल्दी नहीं बनाए थे, प्लेन भी बनाए थे, अभी भी गर्म से ही है। जैसे था चीनी निकालनी है, अभी चीनी डिब्बे में से निकालूंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। लो लविस इसे मैंने नीचे बैठा दिया क्योंकि पूरा बेड घेर के बैठा था, ये खाते रहो, दूध पकने देते हैं, चाय अभी बनाएगी जस्सी का, देखिए लगी हुई है मोबाइल में, और कौन बनाएगा। आई एम नॉट मेक द टी,
रातों की चाय ही पसंद है मुझे, क्योंकि बिल्कुल मेजरमेंट से बनाते हो इसलिए पसंद है। मेरे से ज़्यादा मीठा हो जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं होता, मैं मेजरमेंट नहीं करती ना, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, उठाई और पलटती और जस्सी का डालती है स्पून से, इसलिए मुझे अच्छी लगती है जस्सी का की। और आज तो जस्सी का भी चाय पिएगी क्योंकि वरना ये लड़की मजाले से चाय पिलाना बहुत मुश्किल है, चाय नहीं पीती, दूध भी कॉफी नहीं पी लेगी, बच्चों को कॉफी नहीं होती है, नहीं होती होती है, नहीं होती। और गाइस मैं मार्केट से आने के बाद मतलब नहा चुकी थी, गर्मी लग रही थी बहुत, बाजार में तो भीड़ होती है, मतलब वैसे ही मार्केट होता है, जैसे काफ़ी बार सूट भी किया है, आज ही सूट नहीं किया, तो मैं आते ही फिलहाल नहाई, उसके बाद मैं कुछ काम नहीं किया, आराम से लेटी हूँ क्योंकि मैं पहले ही बना, शाम का मैं पहले ही सोच के गई थी कि मैंने कहा फालतू बना देती हूँ पराठे, क्योंकि बच्चे वैसे भी रोटियाँ तो खाते ही नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ इन्हें ऐसी चाहिए, जब भी तो पराठा खा रहा, देखो वरना वैसी चीज़ होती ना कुछ सब्जी तो नहीं खाता। बाकी सब्जी से याद आया मशरूम रखे हैं, कल देखते हैं, कल बनाएंगे मशरूम पुलाव, मशरूम डाल के पुलाव बनाएंगे, मटर रखी है और आलू डाल देंगे, आलू वैसे हमें पसंद नहीं है लेकिन हमारे उनको आलू ही चाहिए बस। तो चलिए गाइस अभी थोड़ी देर में मिलते हैं चाय के साथ। सो गाइस आखिरकार जस्सिका ने चाय बना दी है तो देखिए, और आज जस्सिका पी रही है चाय, कैसे जस्सिका कैसे दिल किया चाय पीने का, और आज जो पीने वाला होता है वो बैठा है वहाँ मोबाइल में, देखिए अब लैपटॉप छोड़ के फोन पकड़ के बैठ गया, और अभी थोड़ी देर बाद फिर लैपटॉप आ जाएगा। आज डैडी नहीं है ना इसलिए आज़ादी है, आज ये पूरा फायदा उठाएंगे उनका, आज ये जगेंगे रात को लेट नाइट तक, मुझे परेशान करेंगे। अब 10 बजे के बाद तो हमारा ये सिस्टम है ना सोम का, ये चलेगा, चलने लग जाएगा क्योंकि कल उसके बाद है संडे तो छुट्टी, मौज जस्सी का तो छुट्टी ही चल रही है वैसे तो, मजे ही ले रही है, वजह से तो सोना पड़ता है और जस्सी का ये वाले बिस्कुट खा रही है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं कि स्वाद स्वाद में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि जस्सी का हमारी कोमल पे ही गई है, मेरी नंद पे ही गई है, बिल्कुल सेम कॉपी दोनों, टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, डैडी पे गया हूँ अपने, कुछ गुण बुआ के हैं, कुछ डैडी के हैं, कुछ मम्मा के हैं, और कुछ दादी के नहीं है, दादी के नहीं हाँ दादाजी के हैं, बड़े पापा हैं, इंटेलिजेंट है, हाँ बिल्कुल हैं, नहीं बड़ी मम्मी भी, बड़ी मम्मी भी इंटेलिजेंट, हाँ बड़ी मम्मी थोड़ा वो भी अच्छी हैं, थोड़ा दिल से ज़्यादा खुली हुई हैं वो, ज़्यादा ओपन हार्टेड हैं, हाँ तो कोई नहीं, पुराने ज़माने के ऐसे ही होते थे, होते हैं, हाँ सोच सबसे अलग, किसी चीज़ में रुकावट नहीं करती, ना ही कपड़े पहनने में टोकते हैं, ना ही किसी को कुछ, हाँ किसी चीज़ में कुछ नहीं, किसी यही बात उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो चलिए गाइस जब मेरी बातों में चाय ठंडी हो जाएगी और जस्सी का बिस्कुट खा लेगी, मैं भी पी लेती हूँ। सो चलिए गाइस यही था आज का ब्लॉग, सो आज के ब्लॉग में हम क्या, बस मैं मार्केट में सूट नहीं कर पाई बस, बाकी मार्केट में दो ही सामान लेकर आई हूँ और कुछ स्नैक, बाकी कुछ नहीं। और जस्सी का ट्यूशन गई थी आज, अपने दो ट्यूशन, और मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वैसा होता है जैसे स्कूल वाला, और कंप्यूटर डेली होता है, और कल है सेकंड सैटरडे तो कंप्यूटर की छुट्टी है उसकी, और दूसरे की भी होगी छुट्टी, हाँ तो दूसरे की भी है। तो यही था आज का ब्लॉग, सो चलिए मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मिलते रहेंगे। सो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस देखिए आखिरकार घूम फिर के लविश ने लैपटॉप से बोर होके मोबाइल पकड़ लिया, कह रहा बस 10-15 मिनट दे दो, मैंने कहा चलो ठीक है 10-15 मिनट चला लो, उसके बाद चलेगा हमारा ये सिस्टम। सो बस, सो चलिए मिलते हैं कल।